नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के ब्रांड न्यू फ़ोन के बारे में, जिसका नाम है ओप्पो F11 Pro, जो कि इंडिया में लॉन्च होने के लिए रेडी है, जो कि 5 मार्च को बोला जा रहा है लॉन्च हो सकता है इंडिया में। अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि 5 मार्च को यह लॉन्च होगा या फरवरी के लास्ट तारीखों में लॉन्च होगा, यह कन्फर्म नहीं हुआ। जल्दी कन्फर्म होगा, हम उसका भी अपडेट जरूर निकालेंगे ये कब लॉन्च होने वाला है। आज हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको देने वाले हैं इसका फुल रिव्यू डिटेल। और इसका फर्स्ट लुक भी निकल के बाहर आ गया है, जो कि ऑफिशियली ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है इसका टीजर, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन में जाकर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलो। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट करके हमको जरूर बताना आपको ओप्पो का F11 Pro कैसा लगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात करें, आप डिज़ाइन देख ही सकते हैं इस वीडियो में। आपको पूरे डिस्प्ले में आपको कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें कैमरा ओप्पो अप कैमरा होने वाला है, जो कि वीवो V15 Pro में आने वाला है। और इसी के साथ भी ओप्पो F11 Pro में भी ओप्पो कैमरा आने वाला है। हम इसके बैक की बात करें, आप बैक में आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है विद फ्लैश के साथ। और इसकी बिल्ड क्वालिटी और कलर देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है जो कि इस टीजर में दिखाया गया है। आने वाले में टाइमों में देखते हैं जब इसका अनबॉक्सिंग होगा तो कैसा दिखता है, इसका फर्स्ट इंप्रेशन भी दिखाएंगे। चलिए इसके सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करें। डिस्प्ले आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है OBIPS LCD डिस्प्ले के साथ। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, जो आपको वीवो के F15 Pro में देखने को मिल जाता है। और ओप्पो में आपको F11 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। कैमरा बैक की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश के साथ। और आगे फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें, इसमें भी बोला जा रहा है आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि वीवो का V15 Pro में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भी ओप्पो के F11 Pro में भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस चीज़ स्टोरेज की। इसमें आपको 6GB रैम प्लस 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। और इसमें आप मेमोरी कार्ड लगाकर 256GB तक इंस्टॉल और कर सकते हैं। और इसके अब प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको मीडिया टेक हेलो P70 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ हम इसके OS की बात करें, इसमें आपको एंड्रॉयड पाई का वर्जन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब बैटरी की बात करें, इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है या 4000 mAh की बैटरी, पर इसमें ये कंफर्म है आपको इसमें क्विक चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बस इतना ही था ओप्पो के F11 Pro की स्पेसिफिकेशन के बारे में। हालांकि ये इसका प्राइस कंफर्म भी नहीं हुआ, बोला जा रहा है 20 से लेकर 25 हज़ार की रेंज में ये होने वाला है। आने वाले टाइमों में देखते हैं इसका प्राइस क्या हो सकता है, पर हालांकि ये 20 या 25 हज़ार की रेंज में आ जाता है, ये ओके V15 Pro को टक्कर दे सकता है आने वाले टाइमों में। बस इतना ही था ओप्पो के F11 Pro की स्पेसिफिकेशन के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर लेकर आएंगे आप सभी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।